हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम फिर से एक न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हुबेन हॉस रिएक्शन। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर बीएससी सेकंड ईयर में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फिनॉल चैप्टर का। विथ मैकेनिज्म आज हम इसे समझने वाले हैं। इसके अलावा बीएससी सेकंड ईयर फिनॉल चैप्टर के और भी नोट्स आप लोगों को प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे चैनल में, तो चेक जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना है डाईहाइड्रिक फिनॉल या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। मैंने यहाँ पे डाईहाइड्रिक फिनॉल लिया हुआ है। डाईहाइड्रिक फिनॉल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था केवल एक OH ग्रुप जो है वो लगा होता था, उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते थे। लेकिन ये जो आज का रिएक्शन है उसमें हम डाईहाइड्रिक फिनॉल जो है वो लिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे दो OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ये है आपका डाईहाइड्रिक फिनॉल, इसे रिसोर्सिनॉल जो है वो कहा जाता है। इसका रिएक्शन हमें कराना है मेथिल साइनाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस मतलब निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंस में। जब हम CH3CN का रिएक्शन इस रिसोर्सिनॉल के साथ कराते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ पे हालांकि मैं नहीं बताई हूँ मैकेनिज्म में, हम उसे आगे समझेंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्राप्त होता है जब हम उसका हाइड्रोलिसिस का करा, मतलब हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो उसे कराते हैं जल अपघटन की क्रिया उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ। तो हमें जो है वो इस प्रकार का कुछ कंपाउंड प्राप्त होता है जिसे 2,6-dihydroxyacetophenone जो है वो कहा जाता है। तो इसे 2,6 जो है वो क्यों कहा जाता है वो भी हम आगे मैकेनिज्म में ही समझेंगे। तो इतना आप लोगों को यहाँ पे समझना है हुबेन हॉस में कि रिसोर्सिनॉल का रिएक्शन हमें मेथिल साइनाइड के साथ कराना है, निर्जल ZnCl2 मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, और हमें 2,6-dihydroxyacetophenone इस प्रकार से जो कीटोन है मतलब फिनोलिक कीटोन है वो हमें जो है वो प्राप्त होगा। तो ये हुआ। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट को हम यूज किए हुए हैं। उसके बाद इसका मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में ये कहाँ पे किस जगह पे जो है वो जुड़ रहा है और इस टाइप से हमें जो है वो कंपाउंड जो है वो प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, इसमें क्या कहा जा रहा है। हुबेन हॉस रिएक्शन जब डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे हम डाईहाइड्रिक भी ले सकते हैं और ट्राईहाइड्रिक भी ले सकते हैं। ट्राईहाइड्रिक में क्या हो जाता, 3 OH ग्रुप जो है वो लगा होता। ट्राई मतलब क्या होता है, 3, तो ट्राईहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप लगा होता, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डाईहाइड्रिक फिनॉल लिया हुआ है, मतलब 2 OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो जब डाईहाइड्रिक अथवा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल को ZnCl2 या HCl के प्रेजेंस में मेथिल साइनाइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो 2,6-dihydroxyacetophenone जिसे फिनॉलिक कीटोन कहते हैं प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हुबेन हॉस रिएक्शन जो है वो कहते हैं। बहुत ही इजी है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ ही गया हो। रिसोर्सिनॉल का रिएक्शन जो है वो मेथिल साइनाइड के साथ कराना है, ZnCl2 या फिर HCl के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराना है, हमें इस प्रकार का कंपाउंड जो है वो प्राप्त हो जाता है जिसे 2,6-dihydroxyacetophenone या फिनॉलिक कीटोन जो है वो कहा जाता है। तो चलिए गाइस, अब हम इसका मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा एटम जो है वो अलग हो रहा है, सारी चीजों को हम मैकेनिज्म में 3 स्टेप में जो है वो, सॉरी 2 स्टेप में जो है वो इसे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी मैकेनिज्म बताऊंगी इजी तरीके से बताऊंगी, एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फिनॉल में बहुत सारे रिएक्शन है, इसलिए हम जितना ज्यादा हो सके इसे आसान तरीके से जो है वो समझेंगे ताकि आप इसे एग्जाम में भी जो है वो लिख सको। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपको बीएससी सेकंड ईयर में कोई भी रिएक्शन आता है तो आप लोगों को उसका मैकेनिज्म जो है वो लिखना जरूरी है। कुछ मैकेनिज्म तो ऐसे है जो आपको बुक में भी नहीं दिए हुए हैं, बट आप लोग यहाँ से बीएससी मतलब नॉलेज अड्डा में जितने भी नोट्स हैं आप वहां पे जाकर के विथ मैकेनिज्म सारे रिएक्शन जो है वो देख सकते हो। तो 2 स्टेप में मैकेनिज्म जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देख रहे हो या तो हम ZnCl2 या तो फिर HCl के साथ जो है वो मेथिल साइनाइड का जो है वो रिएक्शन कराते हैं। तो पहले स्टेप में हम इन दोनों का जो है वो रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इस रिसोर्सिनॉल से जो है वो कैसे अटैच होगा। तो पहले हम देख लेते हैं मेथिल साइनाइड को, अगर हम HCl के प्रेजेंस में इसे जो है वो एक साथ जो है वो कंबाइन करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो मेथिल साइनाइड CH3C और C और N के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CN, तो C और N के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ।
उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए HClH में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। और अगर हम बात करें इस साइनाइड की, मतलब मेथिल साइनाइड की, तो इसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है इससे जो है वो कार्बन की अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा। मतलब यहाँ पे जो आप ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो, केवल डबल बॉन्ड जो है वो रह जाएगा, बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, अब इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखते हैं एच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एन में क्या है, निगेटिव चार्ज, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सीएल में क्या है, निगेटिव चार्ज, ये आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो ट्रिपल बॉन्ड आपको शो हो रहा है वो केवल डबल बॉन्ड जो है वो रह जाएगा। अब क्या होगा, CH3 CCl के साथ ये बॉन्ड बन गया, उसके बाद ये NH के साथ जो है वो बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन और क्लोरीन, यहाँ पे देखिए Cl और कार्बन के बीच जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। तो अब क्या होगा, हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, कार्बन के अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को ये बॉन्ड को अपनी तरफ जो है वो खींच लेंगे। इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन में, और कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बॉन्ड जो है वो यहां से ब्रेक हो जाएगा, सीएल जो है वो यहां से जो है वो निकल जाएगा। हम देखेंगे आगे कि वो सीएल निकल करके जो है वो कहां जाते हैं। ये तो हुआ, इतना तो आपको क्लियर हुआ कि कार्बन में जो है वो कैसे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन जो है लेकर के चले गए हैं, कार्बन में जो है वो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से हट चुका है, केवल डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है वो रह चुका है। तो ये आपका बना प्रोडक्ट। उसके बाद हम एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ इसका जो है वो, इसके प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ZnCl2 मतलब एक जो Cl जो निकला है ना वो ZnCl2 के साथ जुड़ करके यहाँ पे ZnCl3 बना लेगा, और आपका ये बचा हुआ प्रोडक्ट ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड NH, सी में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये ऐसे जगह पे जाकर के जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेथिल साइनाइड और ZnCl2HCl का हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो वो हमें प्राप्त हो गया। वो कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपका ये। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस रिसोल्सिनॉल के ऑर्थोपोजिशन में ये जो भी प्रोडक्ट बना है वो जो है वो जाकर के अटैच हो जाएगा। तो काफी रिएक्शन से मैंने आप लोगों को ये मैकेनिज्म बताया हुआ है कि क्यों जो भी बनता है वो ऑर्थोपोजिशन में आकर के जो है वो जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन इनको मिलते हैं, इस कार्बन के पास जो है वो निगेटिव चार्ज रहता है। तो ये क्या होगा गाइस, ये जो आपका C+ है जहां पे कार्बन में जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके ऑर्थोपोजिशन में आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एग्जाम में भी आप इतना भी अगर आप लिखते हो तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको सिंपली याद रखना है कि जो भी हमारा, मतलब ये जो आपका रिसोर्सिनॉल है उसके ऑर्थोपोजिशन में ये जो आपका बना हुआ है CH3C डबल बॉन्ड NH, ये जो है वो इसके ऑर्थो पोजिशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। तो अब हमारे के पास क्या बन गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, माध्यमिक उत्पाद। माध्यमिक मतलब क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो बीच में बनता है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के बीच में मतलब सबसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यही होगा। तो ये आपका बना। अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस की जो है वो प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, मतलब जल अपघटन की क्रिया यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एकदम डिटेल में समझने की वो उतना जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब हम H2O के साथ जब हम इसका जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये जो NH है आपका, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, ये जो NH है इस वाटर के साथ मिल करके जो है वो NH3 बना लेंगे। कहने का मतलब है कि यहां से आपके दो हाइड्रोजन निकल करके इस NH के साथ जो है वो जुड़ करके NH3 बना लेंगे, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस सी डबल बॉन्ड के साथ आकर के जो है वो CO के रूप में जो है वो जुड़ जाएगा। मतलब इस प्रकार से यहाँ पर जो NH है वो NH3 बन करके जो है वो निकल चुका है वाटर के साथ, जब ये हम लोगों ने इसे ऐड कराया तो। और ये आपका सी डबल बॉन्ड O जो है वो कीटोन जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो लास्ट में हमें यही चाहिए था ना कि इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए, जब हम दोनों इसे, जब हम इसे जो है वो दोनों को ऐड करते हैं तीनों को, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए। तो एक्चुअल में हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। तो ये है इसका मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर।
मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी 2,6-dihydroxyacetophenone इसका नाम क्यों है। तो अभी तक आप लोग कैसे गिनते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से गिनते थे, लेकिन ये उल्टा उल्टा से हम इसे जो है वो गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 जो है हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 में क्या है, OH है, और 6 में क्या है, OH है। तो क्या 2,6-dihydroxy, हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है, OH, OH ग्रुप को ही हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं ना। तो डाई क्यों लगा, क्योंकि 2 OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन कौन से नंबर में प्रेजेंट है, एक तो 2 में प्रेजेंट है और दूसरा 6 में प्रेजेंट है OH। क्या हुआ, 2,6-dihydroxy एसिटोफिनोन, ये जो है वो फिनोलिक कीटोन हमारा जो है वो बना, इसलिए हम इसे एसिटोफिनोन कहेंगे। तो ये हुआ गाइज आपका हुबेनहॉस का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताई हूँ, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा मैकेनिज्म हो जा रहा था, तो आप लोग काफी कंफ्यूज हो रहे थे। 15-20 रिएक्शन है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। 1 और 2 स्टेप में ही मैंने इसे जो है वो कंप्लीट कराया है, इसे मैकेनिज्म को। आई होप यू आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आया होगा। बस आपको सिंपली ये करना है गाइस कि यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे जो है उसके ऑर्थो पोजीशन में ला करके जोड़ना है। वो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस की जो है प्रोसेस कराएंगे, तो इस प्रकार से हमारा जो है वो 2,6-dihydroxy एसिटोफिनोन फिनोलिक कीटोन जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो वीडियो समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले गाइस, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।